नाजरीन आज हम आपको जिला बाडीपुरा के हाजन इलाके में लिए चलते हैं यहाँ पर हम मुलाक़ात करेंगे एक नौजवान बादसलाहित मसविर से जिसका नाम है कामरान खान कामरान खान अपने स्कूल के दिनों से ही खाके बनाने और ड्राइंग करने में हमेशा माहिर थे कामरान अक्सर ड्राइंग के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेता था जिसकी वजह से वो कई बार अपने उसथियों से दाद पाता था शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के काठपोरा आबाद हाजन से ताल्लुक रखने वाले कामरान ख़ान ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी हाजन से ट्वेल्थ पास करके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेमना से आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद कमरिया कॉलेज ऑफ एजुकेशन गांधरबल से बी एड मुकम्मल करने के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी से पी जी मुकम्मल किया कामरान का कहना था कि इसने बहुत से प्राइवेट स्कूलों में मामूली तनख्वाह की ओज़ पर काम किया जिसकी वजह से इसे ये नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि इससे अपने खानदान की बुनियादी जरूरत पूरा करने में मदद नहीं मिली अट्ठाईस नहीं सोचा था लेकिन एक दिन स्केच और पोर्ट्रेट आर्टिस्ट का काम देखकर इन्होंने भी स्केच बनाने शुरू कर दिए कामरान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन बैन अवी फनकारों की फेरिस्त में टॉप हंड्रेड में जगह बना लेगा कामरान खान ने कहा कि मैंने तकरीबन एक साल तक रफ स्केचिंग की मशक करना शुरू की बाद में मेरा हुनर देखकर जब लोगों की तरफ से दाद मिली तो मैं अपने हुनर की तरफ और मायल होने लगा खाके बनाते हुए कामरान को पाँच साल हो गए हैं और इन्होंने सब कुछ खुद ही सीखा शुरू में इन्हें मुसावि में कोई दिलचस्पी नहीं थी ताहम स्कूल में ड्राइंग के मुकाबलों में हिस्सा लेना और इन मुकाबलों में साथियों में सर रहने से इनका हौसला और बढ़ा इसने कभी भी मुसाविर बनने का नहीं सोचा था कामरान ने कहा कि इसका मकसद एक उस्ताद बनना था लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था और खाका निगार बन गया मैं इसमें सेल्फ टार्ट स्केच आर्टिस्ट हूँ मैंने कहीं से नहीं सीखा है ना मैंने कहीं से स्कूलिंग ली है तो मतलब जब मैं स्टार्ट मैंने किया तो मैंने उस टाइम अपना नाम कामरान स्केच आर्ट रखा था मैं ऑनली स्केचिंग करता था क्योंकि मुझे शौक़ था ज़्यादा पोर्ट्रेट्स बनाना जो ह्यूमन फेस होता है तो उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था एज़ कम्पेयर टू अदर पेंटिंग्स तो फिर जो पूरी वैली है आज जो भी मुझे जानता है तो मुझे कामरान स्केच आर्ट के नाम से ही जानता है आज मैं अलहमदिल्ला प्रोफेशनल हूँ चाहे एक हो एनामल uh, हो ऑयल पेंट हो या चारकोल हो या पेंसिल्स हो तो हर किसी में मैं आज काम करता हूँ देखिए हम गाँव में रहते हैं तो आपको पता है यहाँ पे जो ज़्यादा सपोर्ट नहीं है ये पूरे कश्मीर में सपोर्ट नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू श्रीनगर तो गाँव की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि जो लोकल्टी आपकी होती है उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है इस बारे में आर्ट क्या है मतलब ये कैसा फ़न है यहाँ पर मतलब माइंड में एक ही टारगेट सेट होता है या तो डॉक्टर बनना है आपको या फिर आपको इंजीनियर बनना है तो मतलब जो पेरेंट्स होते वो यही फोर्स करते रहते तो स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं एज आर्टिस्ट कभी काम करूंगा और लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है तो फिर वही होता है स्ट्रगल मैंने बहुत की है क्योंकि फैमिली का सपोर्ट रहा है वरना मतलब ये सारा कुछ इम्पॉसिबल था मैं पहले सीखता था तो इसमें मतलब जो हमारी पॉकेट मनी थी वो मैं खर्च करता था इसमें मतलब अपनी पॉकेट मनी से बचा कर कुछ मटेरियल्स लाता था तो लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हूँ तो जो कमीशन वर्क आते हैं मुझे महीने में पाँच छः सात पोर्ट्रेट्स तो उनसे मेरी जो अर्निंग है वो अच्छी तरह से हो जाती है अगर हम ए थ्री स्केच बनाएंगे तो उसमें हम फिफ्टीन मतलब जो चार्ज करते हैं विथ फ्रेम तो अगर वो आप ऐसे ही दस मतलब पोर्ट्रेट्स तैयार करोगे एक मंथ में तो एटलीस्ट फिफ्टीन टू सिक्सटीन थाउजेंड आपका बनता है तो उसमें मटेरियल चार्ज भी होता है लेकिन अलहमदिल्ला मतलब कुछ ना करने से तो बहुत ज़्यादा मैं सेटिस्फाई हूँ इसमें अगर हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जो भी जिसको भी दुनिया में भेजा है उसके अंदर पोटेंशियल है उसके अंदर कुवत है टैलेंट है लेकिन उसको एक्सपोज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मैं यूथ को बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई कैलीग्राफी में जाना चाहता है या स्केचिंग में या पोर्ट्रेट्स में या जो अदर फील्ड्स है इसमें या राइटिंग ऑथर्स तो अगर वो जो वो टाइम है उनका जिसमें उनको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहता है अगर वो इसमें कंज्यूम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनको तो डिप्रेशन लेवल भी कम हो